फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मेरे लिए तो गुड इवनिंग है और आपके लिए गुड मॉर्निंग। आज एक्चुअली क्या हुआ था, मैं सुबह ही करने वाली थी व्लॉग का ऑन, पर सुबह मैं इतनी बिजी थी और सैलून पे आ गए थे कस्टमर, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर आई और फिर हमारी मिशेल की मीटिंग थी, मिशेल के जो यानी गाए हुए थे, और ये मीटिंग चल रही थी जो भी है। अब यहाँ पर मिशेल का बीए काउंटर बन गया है तो इसलिए, और काफ़ी लंबी चली मीटिंग, 4 तो बजी गई थी। खाना खाने भी मैं और चिकू शाम को यानी 4 बजे गए थे, और जैसे ही वापस आए यहाँ पर वापस से कस्टमर थे, तो मैं व्लॉग का ऑन कर ही नहीं पाई। अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ व्लॉग की, और आज का दिन यानी सुबह से इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था। और अभी यहाँ पर मैंने न्यू वैक्सेस मंगवाई हैं, वो ज्योति यहाँ पर सारी जमा रही है सारी यहाँ पर जमा रही है ज्योति, और बस काम चल रहा है, और आप लोगों को हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ में। अब आज मेरे को फिर से करनी है बालों में ऑयलिंग, तो अभी ज्योति जैसे ही ये सारा सामान जमा देती है फिर मैं हेयर्स में ऑयल करवा दूंगी। चलिए, आज का काम हुआ कंप्लीट। आज थे 3 हेयर कट, नहीं 4 हेयर कट कुछ थे, और 2 फुल बॉडी वैक्सिंग थी, और 2-3 ऐसे कुछ छोटे मोटे और काम थे। पूरा दिन हो गया, मैं ज्योति दोनों थक गए, और ज्योति अभी चली गई है उसके घर क्योंकि 6:30 हो गई है इसलिए। और अब मैं जाऊंगी आगे वाली शॉप में, तो आगे वाली शॉप में बैठूंगी, आगे वाली शॉप में भी कुछ काम है वो करूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम यानी करते ही रहना चाहिए, ऐसा तो है हालांकि। और आज हाँ, मिशेल की मीटिंग में मैंने यानी अभी तक तो मेरे से जितने भी जने प्रोडक्ट ले गए उन सबको बहुत अच्छे ही लगे हैं, तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। अभी तक एक भी ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, सब रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, क्योंकि मैं एकदम यानी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करके चलो ख़रीद भी रहे हो और आपको भी इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी मुझे ज़्यादा खुशी है। तो चलिए अब चलते हैं आगे वाली शॉप में, और यहाँ पर कर देते हैं क्लोजिंग। मेरा ले लेती हूँ पर्स। ये सब तो ज्योति आंटी करेगी। ठीक है, चलो अभी आ गई हूँ घर पर, और घर पर अभी मैं डिनर में बना रही हूँ दाल घोटी, तो चलिए बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, आटे के अंदर हल्दी डाल दी, जीरा डाल दिया, नमक डाल दिया है, और यहाँ पर ये धनिया डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी, और अभी मसाला निकाल दूंगी फ्रिज से, वो जो बनाया हुआ है वो। इसका आटा थोड़ा सा टाइट बनना पड़ता है क्योंकि इसकी बनाई है हम छोटी छोटी बॉल। हाथ में यहाँ पर लग गई है, शायद देख नहीं रहा होगा, हाँ बहुत जलन हो रहा है क्योंकि अभी मसाले वाला आटा बांधा है ना, इसलिए तो इसकी बना देती हूँ छोटी छोटी गोली। रूम में आ गई हूँ छोटी छोटी गोलियाँ बनाने के लिए इसकी, क्योंकि खड़े खड़े बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है ना, इसलिए इतनी छोटी छोटी एकदम गोलियाँ बनानी है। इसको हम दाल गोटी बोलते हैं, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। Thank you.
ये पानी बॉईल हो रहा है, ये पानी जब तक बॉईल होगा फिर इसके अंदर ये गोटियाँ डालेंगे। ये पानी बॉईल हो चुका है और इसके अंदर मैंने गोटियाँ डाल दी हैं और अब इसको कर दूँगी पैक और अब करते हैं मसाले की तैयारी। मसाला बना देते हैं दाल गोटी का, क्योंकि बॉईल होने के बाद अंदर जाएगा मसाला। कुछ दिन पहले ये वाला चॉपर मंगवाया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एकदम बारीक चॉप हो गया, आँखों में भी बहुत लग रहा है, आँखों में भी बहुत लग रहा है। यहाँ पर ये मसाला फ्राई हो गया, जब तक इसकी विसल पूरी आती है तब तक मसाला भी बन जाएगा। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसे निकल रहा है, अब सही हो गया। ये वाला व्लॉग चिकू एडिट कर रहे हैं, जो कि है बॉब कट वाला, और मुझे देख के इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। यानी मैं कैसे दिख रही हूँ बॉब कट में, सच में मुझ पर नहीं अच्छा लग रहा था यार बॉब कट। ये बन गई है हमारी दाल गोटी और अब इसको खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी खाना वगैरह सब हो गया है और स्टेन वगैरह भी सब मैंने क्लीन कर दिया है, तो अब हो जाती है मेरे सोने की बारी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग ही 5:30 बजे करी थी, आपको पता तो है, तो इसलिए मैं आज का व्लॉग थोड़ा छोटा बना होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। अब नेक्स्ट अच्छा बनाऊँगी और इससे भी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे बाय बाय कर देती हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय।